जोधपुर से है। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर शहर के सरदारपुरा सत्संग भवन से निकलने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा के तहत महोत्सव का शुभारंभ रविवार सुबह रतनाड़ा गणेश मंदिर पर नवल मठ के महंत सुनील महाराज के सानिध्य व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत संघ चालक हरदयाल वर्मा, विप प्रांत संगठन मंत्री राजेश कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, डॉक्टर के आर डौकिया व समिति अध्यक्ष मुकेश पालीवाल द्वारा पूजा अर्चना कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। विहिप प्रखंड अध्यक्ष सुरेश आईनी ने बताया कि महोत्सव के तहत आज सभी समिति व असंग विहिप के पदाधिकारी द्वारा गणपति वंदना कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। साथ ही शोभा यात्रा के लिए सभी संतों महंत सहित धर्माचार्य को निमंत्रण देकर आशीर्वचन किया आशीर्वचन लिया और गणेश वंदना कार्यक्रम में विहिप संगठन मंत्री राजेश कुमार ने कहा कि विश्व को परिवार मान एक सूत्र में पिरोने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाला ही समाज विश्व कल्याण की बात कर सकता है। शोभा यात्रा की सफलता बढ़ती भीड़ से नहीं होकर सर्व समाज की सहभागिता समरसता का भाव के साथ हर वर्ग का प्रतिनिधित्व ही विहिप के स्थापना दिवस को सार्थक कर लोक कल्याण करेगा। कुमार ने महिला शक्ति पर बोलते हुए कहा कि आज चंद्रयान जैसे देश के महत्वपूर्ण अभियान में भी महिला का योगदान रहा, तो महिलाएं सिर्फ घर तक नहीं रहकर ऐसे उत्सव महोत्सव में हिस्सा लेकर भागीदारी सुनिश्चित करने से ही हिंदू समाज सुदृढ़ होगा। विश्व हिंदू परिषद सरदारपुरा प्रखंड द्वारा संचालित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर विराट शोभा यात्रा सरदारपुरा के सत्संग भवन से शाम को 7 बजे गाजे बाजे के साथ में निकलेगी। इस महोत्सव के विधिवत शुभारंभ हेतु आज रविवार को सुबह गणेश मंदिर रातनाडा में आकर पूरे समिति के पदाधिकारियों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। अमित पाराशर, जोधपुर।